छह महीने तक अंतरिक्ष की यात्रा के बाद मंगल ग्रह के लिए नासा का अभियान इनसाइट 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। इनसाइट का पूरा नाम इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग साइस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट है, जो मंगल ग्रह के उन अंदरूनी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेगा जिनके बारे में अभी तक बेहद कम जानकारी है। इस अंतरिक्ष यान को इस वर्ष 5 मई को प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यान धरती के 687 दिनों के बराबर मंगल ग्रह पर रहेगा तथा ग्रह की सतह के अंदरूनी भागों की जानकारी प्राप्त करेगा। इस अभियान से वैज्ञानिकों को धरती समेत ऐसे सभी ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी जहां पर चट्टानें हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इनसाइट ने 54,80,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान अंतरिक्ष में उसकी अधिकतम रफ्तार 19,795 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इसमें मार्को नामक दो घनाकार उपग्रह थे। सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले ये पहले घनाकार उपग्रह थे। इनसाइट के मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के बाद मार्को ने उससे जुड़े आंकड़े साझा किए। मंगल ग्रह पर एक पैराशूट और 12 रेट्रो रॉकेट की मदद से उतरने से पहले इनसाइट ने लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना किया। इस तापमान पर स्टील भी गल जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के लिए इनसाइट को रोबोट से मार्गदर्शन मिला, जो एक कठिन कार्य था। उसे मंगल ग्रह की सतह पर आसानी से उतरने के लिए 19,795 किलोमीटर प्रति घंटे से मात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार धीमी करनी थी। Landing on Mars is never a foregone conclusion, and less than half of the times we've tried to either get into orbit or land on Mars, we have not been successful. So you might ask yourself, why is that? We've tried a lot. Why is it just not simple, easy thing that we can do every day? So if we go to the first graphic, I can give you a little bit of explanation of that. So on the Earth, we have a very large gravitational field, but we have a thick atmosphere that's very big. So we can actually dissipate the energy for entry vehicles pretty easily with that thick atmosphere, and usually can get a good soft landing, usually in the ocean, for Apollo at least. The moon, on the other hand, doesn't have much of a gravitational pull, and it has no atmosphere. So that makes it a little bit easier as well to land on the moon using propulsive technology. Mars is basically the worst of both worlds. We have an atmosphere that's about 1% of the Earth's atmosphere, and yet we have a gravitational field that's about a third of the pull of Earth. And so what that means is we have very little energy in the atmosphere that we can dissipate. As we enter the atmosphere, we have very little ability to slow down until we get to the surface. So it makes it very challenging for us. सतह पर उतरने के कुछ मिनट बाद अंतरिक्ष यान ने नासा को आधिकारिक बीप संकेत भेजा। बीप के साथ मंगल ग्रह की तस्वीर भी थी, जो उसके रोबोटिक आर्म पर लगे कैमरे ने खींची थी। इनसाइट के दो वर्षों के वैज्ञानिक अभियान में रोबोटिक आर्म के जरिए अभियान के उपकरणों को सतह पर उतारने में 2 से 3 महीने लगेंगे। इस बीच वैज्ञानिक सतह की तस्वीरों का अध्ययन करेंगे तथा वातावरण की निगरानी करेंगे। मिशन इनसाइट नासा के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण अभियान है। मंगल के अंदरूनी भागों के अध्ययन के लिए ये पहला अभियान है। भूकंप के कंपन की माप के लिए पहली बार धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भूकंप मापी स्थापित किया जा रहा है। किसी अन्य ग्रह की सतह पर उपकरण उतारने के लिए नासा ने पहली बार रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया है। पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर 16 फीट की गहराई तक खोदा जाएगा। नासा के पहले अभियानों से स्पष्ट हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पूर्व मंगल ग्रह गर्म था और वहां नमी थी, जिससे वहां जीवन की संभावनाएं अधिक थी। मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगला अभियान जुलाई 2020 में भेजना तय किया गया है। उस अभियान में रहने योग्य प्राचीन स्थितियों तथा मंगल ग्रह में पुराने समय में जीवाणुओं की उपस्थिति का अध्ययन किया जाएगा।